हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस OJPRD यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं इस हमारे चैनल में तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आज की वीडियोस में हम आपको बताएंगे आप किस तरह से होस्टिंगर से अगर आप डोमेन खरीदते हैं तो अगर आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं तो उसमें कैसे वर्क करते हैं और किस तरह का प्लेटफॉर्म है और किस तरह का वो एक तरह का आपका वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप डोमेन भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन दबा लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में होम दिखेगा, फिर होस्टिंग, फिर ईमेल, डोमेन, सर्वर, SSL, वेबसाइट बिल्डर, बिल्डिंग, हेल्प, स्टोर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले होस्टिंग में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम होस्टिंग में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैनेज में जाना है। जैसे ही आप मैनेज में जाते हैं तो हम यहाँ पे अपनी फाइल्स को कहाँ पे रखते हैं, सब लोग को यहाँ पे ये देखना है कि अपन फाइल्स यहाँ पे फाइल मैनेजर में रखते हैं। ये कोई काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे फॉर द एग्जांपल आपने HTML का एक पेज बनाया है तो आपको अपलोड करना है HTML का पेज, तो सिंपली है यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में क्लिक करना है। जैसे आप फाइल मैनेजर में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका जो फाइल मैनेजर में आपका जो डेटा है वो यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि क्या है कि आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दिया न्यू नाम का। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए न्यू नाम का एक फ़ोल्डर बन गया, बट जैसे ही इसके अंदर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं है, खाली है। तो अगर आप चाहते हैं इसके अंदर आप अपनी HTML को फाइल को अपलोड करना तो पहले आप उसको जिप फाइल बनाएं, फिर उसके बाद अपलोड फाइल में क्लिक करें और उसके बाद आपका जिप फाइल अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं और उसके अंदर रिन्यू कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो।